रक्षा होगी। यह सुविचार हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी ने भारत की एकता को दर्शाने के लिए कहा है और आज मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इस बार G20 की बैठक हमारे देश भारत में होने वाली है। वसुधैव कुटुंबकम भी हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रथा है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। इस साल की बैठक दिल्ली भारत में अपने 18 साल पूरे करने वाली है। आइए अब मैं आपको वर्चुअली USA में लेकर जाता हूँ और इन चारों की जो बैठक में है उनकी बातचीत सुनाता हूँ। आज हम आपको वर्चुअली इंडोनेशिया की सैर करेंगे। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहा हूँ उस देश की बात ही है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही जोशीले होते हैं। यहाँ एक ऐसा फूल पाया जाता है जो 7 किलो का होता है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहा हूँ वहाँ इतने सारे आइलैंड्स हैं कि आप गिनने लगे तो कई साल लग जाएंगे आपको इसे पूरा करने में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एशिया के एक सबसे रोचक देश इंडोनेशिया के बारे में बहुत जानकारी देने जा रहा हूँ। इंडोनेशिया का असली नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। यह सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है। इसकी कुल पॉपुलेशन 27 करोड़ है। इसका लैंड एरिया लगभग 18,11,570 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 151 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये पॉपुलेशन के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश है। यहाँ कुल मिला के 18,307 आइलैंड है और अगर आपको ये सब आइलैंड देखने हैं तो आपको यहाँ 3 साल बिताने पड़ सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है। कहा जाता है कि जो लोग एनिमल लवर्स हैं उनके लिए ये देश स्वर्ग से कम है। कहने का अर्थ है कि यहाँ सब प्रकार के एनिमल्स और उनकी स्पीशीज अवेलेबल है। एक इस्लामिक देश है जहाँ की 27 करोड़ की आबादी में से 88% मुस्लिम है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों की जनसंख्या यहीं पर है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है जबकि तीसरा नंबर भारत का है। दोस्तों, क्या आपने कभी कमोडो ड्रैगन के बारे में सुना है क्या? यह है दुनिया के सबसे बड़े लिजर्ड। कहते हैं कि इनके दिन भर सिर्फ खाने की तलाश में रहते हैं और अगर ये किसी को देख ले या किसी इंसान को देख ले तो ये कई बार बहुत बुरी तरीके से भी वार करते हैं। कमोडो ड्रैगन जहरीले भी होते हैं और अगर किसी को काट ले तो इंसान की मौत तो पक्की समझो। इंडोनेशिया में वोल्केनोस की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पे कुल मिला के 143 वोल्केनोस है। लेकिन दोस्तों, जब आप इस देश में आते हैं तब आपको पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे ज्वालामुखी पर बसे हुए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इंडोनेशिया के रफलेशिया और नॉर्डिक लावा के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह है दुनिया का सबसे अलग किस्म का फूल। इसका वजन 7 किलो तक का होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 किलो। और आपको बता दें कि यह सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। ये इंडोनेशिया के आइलैंड सुमात्रा में पाया जाता है और इमेजिन कीजिए कि 7 किलो का फूल बहुत यूनिक बात है। इंडोनेशिया के लोग बहुत मेहनती भी होते हैं, तभी तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इंडोनेशिया एक समय पर गरीब देश माना जाता था, लेकिन अब देखिए इस देश ने क्या छलांग लगाई है, तभी तो यहाँ की इकोनॉमी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, यहाँ के लोग जवान है ही, साथ ही साथ यहाँ का हर इंसान मेहनत करके खाने में विश्वास रखता है। दोस्तों, इंडोनेशिया का सोर्स ऑफ इनकम है फिशिंग और कोकोनट एक्सपोर्ट। यहाँ पे ये काम बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। यहाँ का हर दूसरा इंसान आपको फिशिंग और कोकोनट एक्सपोर्ट के काम में इन्वॉल्व मिल जाता है। इस नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में भी फिश यहीं से एक्सपोर्ट होती है। इसके पीछे एक वजह भी है, वो ये है कि यहाँ पे जितनी फिश की वैरायटी मिलती है और उतनी कहीं नहीं मिलती और यहाँ के लोग इसी बात को बढ़ावा देते हैं, ये अच्छी बात है। दोस्तों, क्या आपने कभी जकार्ता के
बंग कार्नो स्टेडियम के बारे में सुना है क्या? यह है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। 1962 में यहाँ पे एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था और उस समय पे यहाँ की क्षमता थी 1,20,800। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब हाउस फुल होता होगा तो वहाँ का क्या नजारा होता होगा। तो दोस्तों, ये थे इंडोनेशिया के कुछ रोचक जानकारियाँ। तो अब तो आपको पता ही होगा कि इंडोनेशिया कितना प्रगतिशील देश है। इंडोनेशिया तो बहुत ही रोचक देश है। हमें जब भी वक्त मिलेगा तब हम इंडोनेशिया जरूर आएंगे। हमने अपने इंडोनेशिया के बारे में तो बता दिया, अब आप अपने भारत के बारे में बताइए। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ भारत में एक वर्चुअल शहर के लिए। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मतबानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। केवल कुछ पंक्तियाँ नहीं है पर इनकी गहराइयों को समझने की कोशिश करिए। भारत जैसा देश ना तो आज तक कभी था और ना ही कभी होगा। तो आइए देखते हैं कि क्यों भारत को ही कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो लोग भारत के खिलाफ बोलकर अपना धंधा पानी चलाते हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि 137 करोड़ की आबादी वाला यह देश ना तो आज तक किसी के सामने झुका था और ना ही झुकने वाला है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई हिंदू है ना मुसलमान, न कोई सिख न कोई ईसाई। इस देश में तो एक ही धर्म चलता है और वो है भारतीय। तो आइए करते हैं इस विविध भारत की एक वर्चुअल सैर। आप में से बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा पर 10 करोड़ वर्ष पहले भारत एक द्वीप था। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है और इसीलिए भारत को दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता भी माना जाता है। भारत का नाम भी सिंधु नदी या इंडस नदी से ही आया है। भारत के आजादी के बाद यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग मिशन में सबसे बड़ा योगदान भारत का ही रहा है। अगर भारत की काशी विश्वनाथ और तिरुपति बालाजी मंदिर में आने वाले लोगों को जोड़ दिया जाए तो वह मक्का की सिटी से भी ज्यादा होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हर 12 साल में भारत कुंभ मेला आयोजित करता है। यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि यह अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और यह एक बहुत अनमोल मौका होता है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में ही है। यह होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही बनती है। हम लोग आजकल हायर स्टडीज के लिए देश विदेश जाते हैं पर क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में बनाया गया था। उस वक्त देश विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे। लखनऊ सिटी की मॉन्टेसरी स्कूल छात्रों के मामले में सबसे बड़ी स्कूल है। यहाँ पर 35,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इंडियन रेल की अगर बात की जाए तो इंडियन रेलवेज में अभी कुल 13 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं जो कि कुछ देशों की आबादी से भी ज्यादा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंग्लिश बोलने वाली कंट्री है। यहाँ पर फेरी वालों से रिक्शा वालों तक सबको इंग्लिश आती है। आपको तो पता ही होगा कि हमारी पहली रॉकेट को साइकिल पर छोड़ाया गया था पर क्या आपको पता है कि हमारी पहली सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर से लॉन्च किया गया था और आज इसरो दुनिया की 5 सबसे अच्छी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में से एक माना जाता है। लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है एक मीटियोराइट इम्पैक्ट की वजह से बना है, ऐसा कई साइंटिस्ट का कहना है। एक अंग्रेजी अभिनेता बेन किंग्सले का असली नाम कृष्णा पंडित बांजी है और उनके पूर्वज भी भारतीय ही थे। भारत के शनि सिंगापुर गांव में एक भी दरवाजा नहीं है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसे शनि का प्रकोप झेलना पड़ता है। मायने में खेल जो लह में है उसके ऊपर यदि हम कोई गाड़ी रखते हैं तो वह हिल की ओर आकर्षित होती है। पहले यह कुछ कहानियों तक ही सीमित था पर अब बहुत सारे लोग इस बात को मान चुके हैं। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के शतरंज के बादशाह हैं, 3 अलग अलग कैटेगरी में विश्व विजेता बन चुके हैं। और मैं यहाँ तो कहना भूल ही गया कि शतरंज का खेल भी भारत में ही बना था। आपके शर्ट पे जो बटने लगी हैं, उनका भी आविष्कार सबसे पहले भारत में ही हुआ था बल्कि स्केल शैम्पू आदि की भी खोज भारत में ही की थी। यहाँ तक की मोतियाबिंद सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, शून्य और गणित भी भारत में ही पैदा हुए थे। अभी वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ बोलते हैं। भारत में डॉल्फिन्स को पकड़ने पर प्रतिबंध है इसलिए सबसे ज्यादा रिवर डॉल्फिन्स भारत में ही पाई जाती है। भारत की तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में कार्यालयों की संख्या में 2007 के मुकाबले 6 गुना इजाफा हुआ है और सिंगापुर के मुकाबले भी बेंगलुरु में ज्यादा ए ग्रेड कार्यालय है।
सालाना दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में भारत में ही बनती हैं। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है, तो इससे तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि हमारी संस्कृति कितनी है। तो दोस्तों, आशा है कि आप सभी को जी20 के बारे में थोड़ी सी तो जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी और कैसे चार दोस्त जैसे मैं मिलकर अपने अपने देश के बारे में कितनी रोचक जानकारी बताते हैं। तो अब मैं इस मध्य दस्तावेज का अंत एक सुंदर से सुविचार के साथ करना चाहूंगी। सुविचार कुछ ऐसा है, यह जी20 एजेंडा समावेशी, कार्यावेशी, कार्रवाई का मुख्य और निर्णायक होगा। धन्यवाद दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे।